विजय स्तंभ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सीढ़ियां तो आ ही नहीं रही है। हम तो ऐसे ही जा रहे हैं, हमें डफुल तो नहीं बनाया जा रहा है कहीं। देखिए हाँ, अब सीढ़ियों की भरमार लग गई है, ये एक गुफा की तरह मजा आ रहा है। ऊपर चल रहे हैं हम हमारे दोस्त रमेश देवड़ा के साथ और हमारे प्रिय छोटे भाई ये रेखचंद जी परिवार के साथ हैं, जा रहे हैं। अच्छा है, यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां भी हैं और बहुत सारी ये गुफाएं, पता नहीं ये सीढ़ियां हैं या वो सीढ़ियां हैं, ये तो कुछ नहीं है सीढ़ियां, तो ये तो फिर ऐसे ही घुमा घुमा के हमको वापस उसी जगह पर आ रहे हैं। और हमारे दोस्त से मिलिए रमेश देवड़ा जी। दोस्तों आप ये देखेंगे कि आपको ये घुमावदार लगेगी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से चढ़ना है कहाँ से नहीं, इसलिए आपको ना बहुत ही ध्यान पूर्वक चढ़ना होगा। और भाई आप मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको शेर बताता हूँ। दोस्तों हमारे दोस्त रमेश जी जैसा कह रहे हैं हम उनके पीछे पीछे वैसे के वैसे चल रहे हैं। देखिए हम पता नहीं ये कैसे गुफा के अंदर ले जाना चाहते हैं, पता नहीं ये कैसे गुफा के अंदर ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम चलेंगे। वो थोड़े से हाँ लाइट ऑन करूं मैं इसकी, चलो ठीक है। फिर ये अंधेरे की वजह से रमेश जी आप घबराते नहीं रहे हैं कहीं? हम नहीं घबराए नहीं सूर्य जी, हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अंधेरे में आप घबराए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे प्रिय अजीज मित्र रमेश जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो सच है। देखिए एक ऐसा है यहाँ पर बहुत ही संकरी गली है, और आपको इसका आनंद चढ़ने में आनंद आएगा। और आगे कुछ नहीं है भाई, आप यहाँ पर फोटो खींच सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, और भी कुछ भी कर सकते हैं। फोटो और आपको यहाँ बहुत ही कलाकारी देखने को मिलेगी, जैसे देखो ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। हमें समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है, पर हमारे दोस्त सूर्य जी आपको ये जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही खगोल विद्या के जानकार हैं। हम जिस मंजिल पर अभी खड़े हैं ना, वो है सबसे ऊपरी नहीं सातवीं मंजिल, क्योंकि इससे ऊपर वाली मंजिल हमें स्वरूप सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण हमें ऊपर नहीं जाने दिया जाता, ये सातवीं मंजिल है। आप देखेंगे कि दोस्तों मुझे लग रहा है, और ये अपने मूर्ति है, आप इसको ध्यान पूर्वक देखिए, समझ में नहीं आ रहा है किसकी हो सकती है ये, लेकिन है किसी न किसी की अच्छी मूर्ति है ये, अच्छी बड़ी कलाकृति। ऐसा माना जाता है कि इसके वास्तुकार जैता नाम का एक व्यक्ति था, उसने शायद बहुत ही अच्छे तरीके से सोचा होगा इसको बनाने के लिए। बिल्कुल, थोड़ा हम हमारे जीज मित्र रेखचंद जी से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। हाँ रेखचंद जी, एक ऊपर रात भर लग आएगी भैया, अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि एक और मंजिल आ रही है, आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से चढ़ना है। रेखचंद जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या कह रहे हैं सब, आप बोल गए रेखचंद जी, अब हम कुछ शिखर पर पहुंच चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शिखर पर, वो जो था वो आपका एक सेमी शिखर था, और ये आपका है शिखर। देखेंगे कि ये फिर एक है, और यहाँ पर हम जाने की कोशिश जरूर करेंगे। शायद हमने वो बताया था वो शायद गलत था, पांचवा मंजिल था शायद, और हम वापस जा रहे हैं ऊपर की ओर, देखते हैं क्या होता है। हम भी पहली बार, ये उसी जैसा है जैसा एक पहले एक और आया था कि घना और अंधेरे में जा रहे हैं। यहाँ पर फोन की टॉर्च ऑन की हुई है, नहीं तो यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। दोस्तों आइए, रमेश देवड़ा जी आप भी आइए हमारे पीछे पीछे। यहाँ पर आप देखेंगे कि वैसे यहाँ लोगों की भीड़ तो बहुत रहती है, लेकिन रमेश जी बताना चाहेंगे आपको कुछ। मेरे को ये समझ बात नहीं आ रही है सूर्य जी, महाराजा मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शायद जैता जी के नंबर लिखे हुए फोन नंबर, आप शायद इन पर कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि आपने ये कलाकृति का निर्माण कैसे किया, आपने दिमाग में ऐसी आकृति का निर्माण कैसे सोचा होगा। क्या वास्तव में ये जैता जैन के नंबर है? अगर वास्तव में उनके नंबर है तो मुझे मेरी बेगम साहिबा के लिए एक ऐसा, उनकी याद में मुझे एक ऐसा स्तंभ खड़ा करवाना है। क्या वास्तव में उनके नंबर है तो फिर मैं नोट करूं? नहीं मुझे नहीं लग रहा है। तो फिर आपने मेरा दिल तोड़ दिया, आप मेरे कलर कैसे मिलते?
और मंदिर ऊपर जाएंगे। देखो दोस्तों, इसके ऊपर से पूरा शहर दिखता है चित्तौड़गढ़। किसी कवि ने खूब ही कहा होगा कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया हैं। ये साहित्य अबुल फजल ने कहा था। शायद ये जो मंदिर थी वो कुछ गड़बड़ था, शायद एक और मंदिर ऊपर जा रहे हैं, हमें इतना ज्यादा। हम भी पहली बार है भैया। देखिए ऐसा है कि हमारा पहली बार एक्सपीरियंस है, तो हम अपने मन से, ये हमारी पहली यात्रा होगी, पहली यात्रा है, और ये इस सीढ़ियों पर चढ़ना और शायद नाम है। अब ये फिक्र हो सकता है, रमेश आप मेरे दोस्त हैं, यहाँ पर देखिएगा ये जो आपने जो की है वो जबरदस्त कलाकृति है यार, बहुत ही अच्छी जुबान है ये, सबसे अच्छी। सुरेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये आप लिपि लिखी हुई है जो पढ़ सकते हैं क्या? नहीं बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन जो कलाकृति की हुई है वो बहुत ही शानदार की है। मेरे को लगता है कि इस भाषा को पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों ने खोज तो जरूर की होगी, लेकिन उनका पता भी चला होगा लेकिन हमें जानकारी थी नहीं है, क्योंकि फिर इतिहास में हमने शायद मुझे उर्दू में लग रहा है नहीं फिर दोस्तों क्या है कि क्योंकि हम पहली बार आए तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, बहुत ही संकरी गली और इसके कारण हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे जैसे आगे सीढ़ियां आ रही हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं, शायद हम शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसलिए आपको भी ये कहते हैं कि मेहनत करते जाओ, आप एक दिन शिखर पर जरूर पहुंचोगे, अपनी सफलता जरूर हासिल करोगे। रमेश जी के लिए हम बहुत सारे आज तो अभी तक भी शिखर पर पहुंच गए, ये अब मजाक नहीं हो सकता दोस्त, ये मजाक नहीं है, ये पक्का है हम शिखर पर हैं। हाँ ये हमें को भी लग रहा है क्योंकि ये लेस्ट है, क्योंकि इसके ऊपर ये है और इसके नीचे ये है, इसके नीचे पूरा चित्तौड़गढ़ दिखता है। कहने का मतलब ये चित्तौड़गढ़ का हाईएस्ट शिखर है। और दोस्तों इधर जो आप मनोरम दृश्य देखोगे ना वो बहुत ही लुहावना है और सुहावना है। तो देखिएगा किस तरह मेरे फ्रेंड्स जो है बाजियों से झांक रहे हैं और जरोपा से, बहुत ही चित्तौड़गढ़ बहुत ही सुनहरा लग रहा है, जैसे किसी कवि की कल्पना कर रहा हो, वो मेरे सामने रियल है। ऐसे में कवि कल्पना करता है, वो अपनी कविता लिखता है, अपना गीत लिखता है, गजल लिखता है। तो प्रस्थान करते हैं मेरे दोस्त इन जरोखों से झांकते हुए, जैसे सुंदर दृश्य का मजा ले रहे हैं। हमारे सुरेश जी ऐसे कहना चाहते हैं कि हमारे दोस्त ऐसे झांक रहे हैं जैसे पुराने समय में महारानी झांकती थी और अपने शहर को निहारती थी। मुझे सुरेश जी ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर एक और मंदिर है। क्या बात करते हो? हाँ इधर आई, अगर आप कह रहे हो तो हो सकता है कि ऊपर एक और मंजिल हो। रमेश जी ने ऐसा कहा गया है तो फिर ये पड़ा है। फॉलो मी चलते हैं। ये शायद किसी की चाबी हो सकती है, इधर ध्यान से देखिए, आप शायद सोने की हो सकती है, हम इसको निकाल नहीं सकते। नहीं निकाल तो वैसे तो सोने की है। दोस्तों यार वो हमने झूठ बोल दिया, झूठ नहीं बोला था, मतलब हम कहने का मतलब हमें पता नहीं था और अब जरूर शिखर पर है और पूरे मंजिल पर 9 मंजिल पर पहुंच चुके हैं और ये अब पक्का आंटी भला, अब कोई रास्ता नहीं आगे जाने का। तो दोस्तों हमारा ये विजय स्तंभ का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। धन्यवाद।